नमस्ते, पाव कृषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। बार बार ही आपको कोल्ड होने लगता है या फिर अगर आपको गले में खराश होने लगती है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दो दानों से गले की खराश को सही करेंगे। और अगर आपको बार बार कोल्ड होता है तो उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को कोल्ड होता रहता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी साथ में होते हैं, जैसे उसके गले के अंदर संक्रमण होने लगता है, छींके आना चालू हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, शरीर के अंदर दर्द हो सकता है या फिर थकावट और कमजोरी हो सकती है, और इसके साथ में ही आपको फीवर तक हो सकता है। तो छोटा सा कोल्ड होने पर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों को वो ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन किसी व्यक्ति को कोल्ड बार बार होता है, वो या तो खुद ही मेडिकल से कोई दवा लेकर आते हैं और फिर खाते रहते हैं। कुछ समय बाद कोल्ड बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन फिर वापस वही समस्या शुरू हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बार बार इस प्रकार की एलर्जी रहती है, जिस कारण उनको जुकाम बना रहता है। उनके साथ में ही हमारे शरीर के अंदर वो बहुत ज्यादा कमजोरी पैदा करता है और बहुत सारी और बीमारियों को निमंत्रित करता है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से समझे कि हमको बार बार कोल्ड क्यों हो रहा है या इसके लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए, तो शायद हम इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। हमारी रसोई के अंदर ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो कोल्ड से लेकर बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। जैसे आपने इलायची का नाम सुना होगा, इलायची को हम दो ही रूप में जानते हैं, पहला हरी इलायची जो बिल्कुल छोटी होती है और एक बड़ी काली इलायची। हरी इलायची को हम कई बार चाय के मसालों के रूप में काम में लेते हैं, तो कई बार वह हमारे खाने को स्वाद को बढ़ाता है, खुशबू पैदा करता है। ऐसे बड़ी काली इलायची का प्रयोग भी हम खाने में सबसे ज्यादा करते हैं कि कोई सी दाल बना रहे हैं तो बड़ी इलायची हम डालते हैं। लेकिन ये छोटी इलायची की बात आज हम करेंगे। ऐसे तो इलायची के 6 रूप पाए जाते हैं, दिखने में हरी होती है, बहुत सारे लोग इसको ठंडा तासीर वाला मानते हैं, लेकिन ये होती गर्म है। बार बार कोल्ड होता है तो इसके दो दानों से आप अपने कोल्ड को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये छोटी इलायची हमारे शरीर के कफ को बिल्कुल सही करती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार कफ बनता है या शरीर के अंदर सर्दी जुकाम का संक्रमण बार बार होता है या गले के संक्रमण बार बार होते हैं, तो इलायची के दो दानों से आप इन सबसे निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद में इलायची को बहुत ही ज्यादा लाभप्रद बताया गया है शरीर की बीमारियों को सही करने के लिए। अगर आपके शरीर में कोल्ड बना रहता है, कफ बना रहता है, बार बार आपको एलर्जी होती है या फिर गले के संक्रमण होते हैं, तो आज इस उपाय को जो मैं बता रही हूँ उसे आप कुछ दिन तक करके देखिए, आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। आपको दो इलायची लेनी है छोटी और उसके दानों को निकाल लेना है, उसका पाउडर फॉर्म आप तैयार कर लीजिए या फिर आप कई इलायचियों का पाउडर फॉर्म बना करके भी रख सकते हैं। दो इलायची का पाउडर सुबह भूखे पेट उठ करके आपको लेना है। दो हाथ में चुटकी भर आपको हल्दी पाउडर मिक्स करना है, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, उसमें शहद मिक्स करना है और उसे आपको लेना है। इस मिश्रण को जब आप लेना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके गले का जो संक्रमण था उसमें आपको काफी आराम आया है। अगर आपको बार बार जुकाम एलर्जी होती है तो उसमें भी आपको आराम आएगा। छोटी इलायची काफी ज्यादा यूजफुल होती है कोल्ड को सही करने के लिए। छोटी इलायची एंटीसेप्टिक मानी जाती है जो कि बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देती। अगर आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो वह उसको भी बिल्कुल सही करती है। इसीलिए व्यक्ति खाना खाने के बाद इलायची को चबा चबा कर खाता है, जिससे कि मुंह की दुर्गंध भी चली जाए और मुंह में कोई बैक्टीरिया पैदा होता है तो वह भी पैदा ना हो। गले के अंदर कोई संक्रमण होता है तो हमारे खाना खाने के बाद अगर मुंह की सफाई सही ढंग से नहीं होती है या कई बार खाना फंसा रह जाता है, जिसके कारण गले के संक्रमण होते हैं, गले में खराश आने लगती है, गले में कुछ फंसा हुआ लगता है, कई बार गले के अंदर कुछ ना कुछ अटका हुआ लगेगा या फिर मुंह से दुर्गंध आएगी। लेकिन अगर आप इस मिश्रण का प्रयोग करने लग जाएंगे तो ये सारी समस्या भी सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस पाउडर फॉर्म को ले सकते हैं, ये कोल्ड को बिल्कुल सही करती है। जो आपके बिल्कुल बचपन से ही आपको सर्दी जुकाम लगता है कि इस प्रकार से आपको लगता है कि नाक बार बार बह रहा है या फिर आपको लगता है कि उसके कारण आपको सिर दर्द होता है या उसके कारण आपको बार बार एलर्जी होती रहती है, तो इस सब चीजों को बिल्कुल सही करता है। हमने चुटकी पर हल्दी पाउडर भी डाला है। हल्दी पाउडर हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करती है, दर्द को खत्म करती है। तो हल्दी पाउडर साथ में डाल देने से अगर गले का संक्रमण होगा या कफ बहुत ज्यादा बनता होगा तो वह उसको भी बिल्कुल सही करेगा। इलायची का जो मिश्रण है वह दोनों ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। अगर हमको बार बार एलर्जी होती है तो उसमें बचाव मिलता है। तो अगर बच्चों को भी
इस प्रकार की समस्या रहती है कि उनका कोल्ड बिल्कुल जाता ही नहीं है, तो आप इलायची का पाउडर बच्चों को दे सकते हैं। उपाय कोई भी कर सकते हैं। अगर आपका पुराने से पुराना जुकाम है तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि कुछ चीजों को आपको रिमूव भी करना चाहिए, चाहे आप कोई से भी होम रेमेडीज को फॉलो करिए, चाहे कोई से भी बीमारी के लिए आप उपाय करिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोल्ड बनता है किसी न किसी वजह से, यानी या तो आपका इम्यूनिटी कमजोर रहता है, लगने के कारण इस प्रकार संक्रमण होता है, या किसी न किसी चीज की आपको एलर्जी रहती है। लेकिन अगर आप जैसे कि कुछ खाने का ध्यान रखिए जिसमें कफ बनता हो, ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि आप दूध का प्रयोग ना करें, दही का प्रयोग ना करें, चिकनी चीजों का प्रयोग ना करें, ऐसी सारी चीजें कफ को बढ़ाती है। किसी व्यक्ति को बार बार कोल्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति को खट्टे पदार्थ का सेवन भी नहीं करना है, जैसे कि उनको इमली नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है। अगर आप थोड़ा सा परहेज भी करते हैं तो अपनी बीमारी को खुद ही बिल्कुल सही कर सकते हैं। होने के बाद हम और बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रित करते हैं, लेकिन अगर आप कोल्ड को खत्म करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपके पास कोल्ड ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों से आराम मिले। तो इस तरह से इस उपाय को आप करके देखिए, अगर कुछ फायदा मिलता है तो लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।